नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसान भाइयों को बताएंगे कि गन्ने की क्षेत्रवार उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, जिससे वो अपने खेती के लिए उनमें से अपने क्षेत्र के अनुसार चुनाव कर सकते हैं और अच्छी फसल पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकन को आप दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, जिसमें आप अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और कृषि से जुड़ी नई नई तकनीकियों की जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए बात करते हैं गन्ने की क्षेत्रवार उन्नत किस्में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की इन किस्मों की विशेषताओं और पैदावार की, जिससे किसान भाई उसे सुन के और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन सी किस्म उनके क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। किसान भाइयों, गन्ने की उन्नत किस्मों की क्षमता के अनुसार उत्पादन ले पाना तभी संभव है जब उसके लिए उचित ज्योमिति और अनुकूल जल एवं मिट्टी प्रबंधन तथा क्षेत्र की प्रचलित किस्म उपलब्ध हो। यानी यदि आप खेती कर रहे हैं गन्ना की, तो आपके क्षेत्र के अनुकूल अगर कोई किस्म है तो आप वही किस्म उगाइए, उससे आपको ज्यादा पैदावार मिलेगी क्योंकि वो आपके मौसम के अनुकूल है। गन्ने की आंख की समुचित अंकुरण जड़ों के विकास तथा फसल की वृद्धि के लिए प्रारंभिक आवश्यकता है कि गन्ना बुआई के समय बीज गन्ने और मिट्टी में उत्तम संपर्क हो। जड़ों की मिट्टी के गहरे संतरों तक पहुंच के लिए मिट्टी का आभासी घनत्व कम और जल धारण क्षमता अधिक होनी चाहिए, जिससे किसान बंधु गन्ने की अपने क्षेत्र की प्रचलित किस्म से अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे क्षेत्रवार किस्में, उनसे आप अपने क्षेत्र के अनुसार किस्म का चुनाव कर सकते हैं। और यदि आपको गन्ना की उन्नत खेती की जानकारी प्राप्त करनी है तो यहाँ से क्लिक करके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे आके, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे उसका वीडियो भी सुन सकते हैं। किसान भाइयों, गन्ना की क्षेत्रवार किस्मों की तो बात हम करेंगे ही, लेकिन पहले उसके साथ साथ अगेती और पछेती किस्मों का भी हम आपको बताएंगे। तो आप अपने समय के अनुसार उचित किस्म का चुनाव करिए, अपने क्षेत्र की किस्म का चुनाव करिए, अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्म का चुनाव करिए। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इस क्षेत्र के लिए किसान भाइयों अगेती किस्में है OH 92201, कोसा 95255, को 98014, कोसा 96068, कोसा 8272, को 118, को 238, को 237, को PK 5191, को 5009, CO 6617, CO 5084-11। ये किसान भाइयों कुछ अगेती किस्में हैं गन्ना की, जो कि उत्तरी पश्चिम क्षेत्र के लिए अनुमोदित की गई हैं। ये अनुमोदन किसी कृषि यूनिवर्सिटी या फिर कृषि संस्था द्वारा की गई किस्मों का है। इससे अन्य किस्में भी हो सकती हैं, बहुत सी किस्में हैं। कुछ किसान तो अपने जो बहुत पुराने किस्में हैं उनको ही उगाते आ रहे हैं, लेकिन आप बदलिए और नई उन्नत किस्मों का चुनाव करिए, जिससे कि आपकी पैदावार अधिक से अधिक बढ़े। उसके बाद किसान भाइयों उत्तरी पश्चिम क्षेत्र के लिए ही कुछ पछेती किस्में हैं। कोसा 51230, को पंत 90223, कोसा 94270 और को H 119, को पंत 97222, को J 20193, को S 96275, को 124, को H 128 और को 050-11, को 60-34 आदि पछेती किस्में हैं। किसान भाई इन किस्मों को भी आप अपने समय के अनुकूलता के हिसाब से उगा सकते हैं और इनकी पैदावार भी अच्छी है, जिस
का जिक्र हम अगले वीडियो में उसकी विशेषताओं के साथ करेंगे। उसके बाद है किसान भाइयों, उत्तरी पश्चिम क्षेत्र के बाद उत्तरी मध्य और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। इस क्षेत्र के लिए अगेत्य किस्में इस प्रकार हैं, को 87263, को 87268, को 89029, को से 95422, को से 96234, को 94184, को से 01421, को 0232 और को जे एन 86141, को 86572, को 94008, को जे एन 9823 आदि प्रमुख अगेत्य किस्में हैं उत्तरी मध्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए। ये भी उन्नत किस्में हैं। उसके बाद है किसान भाइयों, इसी क्षेत्र के लिए पछेत्य किस्में कौन कौन सी हैं, बीओ 128, को से 92423, को 0233 और को पी 6436, जिसको कोपी 2061 के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद को 86032, को 7318, को जे एन 86600, को जे एन 9505 आदि पछेत्री प्रमुख किस्में हैं गन्ना की। किसान भाई इन में से किसी का भी चुनाव करके और अच्छी उन्नत खेती गन्ना की कर सकते हैं उत्तरी मध्य और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में। उसके बाद है किसान भाइयों प्रायद्वीप क्षेत्र। प्रायद्वीप क्षेत्र के लिए किस्में इस प्रकार हैं, अगेत्य किस्मों में प्रायद्वीप के लिए हैं, को 85004, को 94008, को 403, कौन से 5103 आदि अगेत्य प्रमुख किस्में हैं। उसके बाद पछेत्य की करें तो वो इस प्रकार है, 86032, को 87025, को 87044, को 8371, को एम 7714, को एम 88121, को 91010, को 99004, को 2001-13, को 2001-15, को 218, को 6027 और कौन चेक 5104 प्रमुख पछेत्री किस्में हैं प्रायद्वीप क्षेत्र के लिए। उसी प्रकार किसान भाइयों पूर्वी तटीय क्षेत्र के लिए इस प्रकार हैं, अगेत्य कोसी 0-10-61, को 31-51, ये दो प्रमुख किस्में हैं। उसके बाद है पछेत्री किस्में, को 86249 और को 60-30, ये भी दो किस्में हैं जो प्रमुख हैं। इसमें और भी अनेक हैं लेकिन जो सबसे मुख्य हैं, जो आपको अच्छी पैदावार दे सकती हैं, वो ये पूर्वी तटीय क्षेत्र की किस्में हैं। और मैं किसान भाइयों को बता दूं, ये कुछ प्रमुख किस्में थी, किस्में बहुत हैं, आप उनमें से भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन जो किस्में हमने बताई हैं वो उन्नत किस्में हैं जिनमें रोग प्रतिरोधी क्षमताएं भी हैं, अच्छी पैदावार भी आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से दे सकती हैं। इनकी विशेषताएं और पैदावार हम अगले वीडियो में बताएंगे। और आप अपने क्षेत्र की प्रचलित किस्म ही उगाइए, किसी के झांसे में मत आइए, आप अपने विवेक से उसका चुनाव कर सकते हैं। और यदि उपलब्ध वीडियो में जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारा वीडियो लाइक और शेयर आप जरूर कीजिए। और यदि आपको कोई समस्या आती है वीडियो में तो हम इस लेख का लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पे आके भी इसके बारे में अच्छे से सूक्ष्मता से पढ़ सकते हैं। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को आप दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में इन्हीं किस्मों की विशेषताएं और पैदावार के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।